नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। जैसा कि नाम में शाही शब्द लगा है, शाही मतलब राजसी, तो वैसे ही राजसी सामान युक्त व्यंजन यानी कि डिश है। इसमें हम रिच इंग्रेडिएंट जैसे कि बादाम, काजू, घी, पनीर, मलाई डालते हैं। इन सब रिच इंग्रेडिएंट की वजह से इसका नाम शाही पनीर पड़ा है। खाने में बहुत ही आनंद आएगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाने की सामग्री है: कटा हुआ टमाटर 1 कप, कटा हुआ प्याज आधा कप, क्रीम आधा कप, बटर 3 बड़ा चम्मच, हनी यानी कि शहद आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, काजू 2 बड़े चम्मच, बादाम 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, इलायची 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, 1 तेज पत्ता, लहसुन की 4 कली, कटा हुआ अदरक 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्च 2, बड़ी इलायची, दालचीनी 1, 2 छोटी इलायची, लवंग 2, धनिया पत्ता, गार्निश के लिए होगा ये। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे अदरक को बारीक काट लिया है और 1 हरी मिर्च को हमने बीच से काट लिया है। और पानी 1 कप पनीर है 400 ग्राम, जिसे हमने क्यूब में काट लिया है। पैन में हम टमाटर डालेंगे कटा हुआ 1 कप, आधा कप प्याज डालेंगे, काजू डालेंगे, अदरक डालेंगे, लौंग डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, बड़ी काली इलायची डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, 1 चम्मच बटर डालेंगे और 1/4 कप के करीब पानी डाल के हम इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर इसे पकाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हम गैस को बंद करेंगे। हमने इसे जब मीडियम आंच पे पकाया है, आप भी इसे मीडियम आंच पे पकाएं और ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे बारीक महीन। अब सेम पैन में हम फिर से बटर डालेंगे 2 चम्मच बड़ा, कटा हुआ अदरक और कटी हुई मिर्च डालेंगे और कुछ टाइम तक इसे भून लेंगे। हम हमने जो टमाटर अदरक ये सब का पेस्ट था उसे हमने मिक्सी में पीस के बारीक बना लिया है। उसमें से हमने तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग और ये सब सामान को बाहर निकाल दिया है। अब हम पेस्ट को डालेंगे। कुछ मिनट तक इसे भूनेंगे। हम कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। मिलाएंगे धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले मिक्सर में डाला हुआ है। अच्छे तरह से मिला के 1 मिनट तक पकाएंगे। मिला लिया है। अब इसमें जो हमने बादाम को पानी में भिगो के उसका पेस्ट बनाया है फाइन, उसे डालेंगे हम लोग और इसे भी मिला लेंगे। अब क्रीम डालेंगे इसमें। थोड़ा क्रीम गार्निश के लिए बचा के रखेंगे। शहद भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सबसे अंत में हम पनीर डालेंगे। धीरे धीरे से चलाएं, क्योंकि पनीर के टूटने का डर होता है। इसे 2 मिनट तक हम पका लेंगे।
पनीर को भी हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। शाही पनीर बनकर तैयार है। शाही पनीर में हमने रिच इंग्रेडिएंट डाला है, जैसे काजू, बादाम, क्रीम, शहद। ये सभी शाही पनीर की शान को बढ़ा देते हैं। अब हम इसकी गार्निश कटे हुए कुछ काजू किससे करेंगे। और धनिया पत्ते से करेंगे। शाही पनीर को आप शाही पुलाव, पुलाव या फिर नान के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपसे शाही पनीर की ये रेसिपी शेयर की है। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।